हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। नीट 2023 में किस मार्क्स पे क्या रैंक आपको मिलेगा, रैंक मैटर करता है, आपका मार्क्स मैटर नहीं करता, मैं आपको बार बार वीडियो में बताता हूं। और दोस्तों मोस्ट एक्यूरेट मैं बता रहा हूं, कंपेरिजन कर रहा हूं कि डाटा क्या कहता है, क्या रैंक आपका बढ़ने वाली है उसी नंबर पे या घटने वाली है, तो डाटा के हिसाब से बात करेंगे। और जैसे कि आपको पता है मैं इंजीनियर हूँ और बहुत ही डाटा एनालिसिस करने के बाद मैं आपको वीडियो बताता हूँ, और व्यू के लिए नहीं है, तो मैं जो डाटा बोल रहा है मैं वो ही बताऊंगा, ठीक है ना। MBBS असिस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाएगा, ऑलरेडी मोर देन 200 स्टूडेंट जिसमें जुड़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, ये मैंने कट ऑफ क्यों प्रिडिक्ट किया था, प्लस माइनस 4 क्यों रखा था। प्लस माइनस 4 क्या है कि ये सिटी इतनी सारी बढ़ रही है कि चांसेस है कि ये माइनस में जाए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि अभी तक मोर देन 600, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मोर देन 6000 सीटें अभी तक बढ़ चुकी है, और 1300 सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाली है, जो न्यूज पेपर में और वहां के सचिव ने न्यूज मीडिया को बताया था, ठीक है। और इसी साल से उम्मीद है, तो इस ये मान के चलिए टोटल गवर्नमेंट सीटें आपको 5000 के आसपास बढ़ सकती है, अगर 5000 बढ़ती है तो काफी फायदा होगा, और ये माइनस 4 में जाएगा। और अब हम डिस्कशन कर लेते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक की। तो आपके स्क्रीन पे ये आपको दिख रहा है 2021 में 2720 पे 1-3 रैंक थे, मतलब 720 पे 3 स्टूडेंट थे, लेकिन 2022 में 715 आया, ठीक है, और 720 किसी का नहीं आया, लेकिन 3 स्टूडेंट फिर भी थे 715 पे, ठीक है। आप यहाँ पे आप डाटा देखेंगे 2021-2022, ठीक है, पेपर टफ था, लेकिन जब पेपर टफ था उसके बाद भी जब आप मेन एवरेज लेके चलेंगे, ऊपर तो ठीक थी रैंकिंग 2022 में, 700 से 670 तक देखिए आप, यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ 94 to 1700 1700, यहाँ 1600 था, ठीक है ना। अब 670 से 650, 1600 से 4000 रैंक थी 2021 में, और 2022 में जो है आप देखेंगे यहाँ पे 4500-500 रैंक बढ़ गई, 630 तक आते आते यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ आपको 1400 रैंक का डिफरेंस आपको मिलेगा, देख रहे हैं आप, 630 पे 9600 हो गया, बल्कि पिछले साल 8200 था 2021 में, तो 600 पे 18700 था, आप बात करेंगे 2021 में, लेकिन 2022 में 600 पे आपकी रैंक हो गई 21200। देखिए यहाँ टफ पेपर होने के बाद भी दोस्तों, टफ पेपर होने के बाद भी यहाँ पे जो रैंकिंग है उसमें आपका डिफरेंस आया, और यकीन मानिए कि इस बार भी रैंकिंग में डिफरेंस आएगा, और ये हो सकता है 1.5 से 2000 जो आपकी रैंक जो है ये बढ़ने जा रही है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार 720 तो नहीं आएगा, लेकिन 715 पे 1 से 4 स्टूडेंट हो सकते हैं, और आपकी रैंक 4 तक आ सकती है, अगर आपका मार्क्स 715 से 700 के बीच है तो आपका 4 से लेकर 130 रैंक, मतलब 700 पे 130 रैंक आपको आएगा, ठीक है। और 700 से 670 इसमें आपकी रैंक बनेगी 130 से लेकर 1800, देखिए यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा, पिछले साल अगर 1700 था तो यहाँ 100 रैंक की बढ़ोतरी होगी, ये मान के चलिए आप, ठीक है, कम नीचे जाने का कोई तुक ही नहीं बनता, ठीक है। जबरदस्ती मैं बोल दूं यहाँ पे 1500 जाएगा नहीं, क्योंकि डाटा बोल रहा है ना, आप देखो ना, क्योंकि डे बाय डे जो है स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं, और इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे जो है रैंक में डिफरेंस आएंगे, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे 670 टू 650, तो ये पिछले साल से यहाँ पे देखिए 500 का गैप आ जाएगा, मतलब 650 पे 5000 रैंक आप मान के चलिए, ठीक है, और 650 से 630 पे यहाँ पे 5000 से 11000 रैंक पहुंच जाएगा, पिछले बार 9600 जो थे रैंक 630 पे थे, अब 11000 रैंक आपको दिखाई देगा यहाँ पे 630 से 600, और मेन है जो ये बॉर्डर जो इसको बोलते हैं 600, और यहाँ पे 21200 रैंक था पिछले बार, इस बार 23000 रैंक, मतलब 630 से 11000 से 23000 रैंक पहुंचेगा, मतलब 600 पे कितने रैंक दोस्तों 23000, प्लस माइनस मैंने यहाँ पे लिखा है 1000 हो सकता है, वो आप मान के चलिए क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन है, तो मैं प्लस माइनस 1000 रैंक में लेके चल रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अब इस हिसाब से आपका 23000 रैंक तक जो बच्चे हैं बिल्कुल सेफ हो गए हैं। अब 600 से 570 पे 23500 यहाँ 23000 है,
और इसको 23,000 से 23,038 तक जाएगा, और 570 से 550 38,000 से 51,000 रैंक तक आपके आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर रहा हूँ 598 जो मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ है। 595 पे 2021 में 21,200 था, 595 पे 2022 में 23,000 रैंक था, और इस बार 595 पे आपके 24,500 से 25,000 रैंक आ सकते हैं। ठीक है, 598 तक आपके रैंक होंगे 23,800 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो ये 598 एक ऐसा नंबर है जहां पे आपको कॉलेजेस मिल जाएगी, ये मान के चलिए। अब सीटें बढ़ती है तो इनको भी चांसेस बन जाएगी, क्योंकि सीटें इतने सारी बढ़ रही है, मैंने आपको इन सीटें के बारे में बताया। तो मेन है उत्तर प्रदेश में, अगर सीटें बढ़ती है तो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट, राजस्थान में सीटें बढ़ी है 3 मेडिकल कॉलेज, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, ये जो 4 स्टेट है, इनके बच्चे ही ऑल इंडिया में मेन फाइट करते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। अगर उत्तर प्रदेश में सीटें बढ़ती है तो वो अपने स्टेट में लेंगे और ऑल इंडिया में नहीं आएंगे, इसे कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा, और यहाँ तक आपके चांस है कि आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे नए आए हैं और डाटा आपको लगता है सही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।